क्यों खा रहा हूँ परोठे पता है? क्यों? कल जिम लगाना है, डंबल उठाए जाने ऐसे मेरे से। ओहो, आपके आते ही जिम और गंदा दिखना शुरू हो गया। वो मेरी शक्ल गिरानी शुरू हो गई। Hey guys, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रात के 2 बजे हैं। मनी जी क्या कर रहे हैं? फ्रिज खोल रहे हैं। और लोग कहते हैं ना कि आंवला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आंवला आंखों के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी लेके आए थे पर मुरब्बा, और पूरा डब्बा इन्होंने मुझे लगता है 2-4 दिन में खत्म कर दिया। मनी, इसको डाइट नहीं बोलते वैसे? नहीं, ये कहते सही होता है, जितना मर्जी खो उसका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है, मीठा होता है ये आंवला। कच्चा आंवला खाओगे उसका तो कोई नुकसान नहीं, आंवला पाउडर आता है वो खाओ। ये तो मुरब्बा हो गया, मुरब्बा भी लोग मुरब्बा नहीं है, आंवला। आंवले का मुरब्बा है ना? अच्छा। आपको मैं बताऊं कि 1-2 दिन से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया और आया भी नहीं मेरा व्लॉग, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी लो है। और अभी मैंने डाइट शुरू कर दी है फिर से, और अभी मैंने फुल डेडिकेशन के साथ की है। और मनी, आपने भी डाइट शुरू की हुई है? नहीं, सुबह से डाइट शुरू मेरी। आज इन्होंने ना सुबह भी डाइट शुरू की थी। सुबह मेरे साथ पहले डाइट वाला ही सारा खाया, बाद में हम मार्केट गए, वहां जाके समोसे खा लिए आपने। समोसे मैंने ऐसे खाए साजी, यकीन नहीं मानोगे तुम। हम क्यों मानेंगे? आपने व्लॉग बनाया जो हम माने, इसलिए इतने टेस्टी थे, मोबाइल पकड़ने का दिल ही नहीं किया, 3 समोसे खा गया यार मैं। वाह, हमें अब बस। चलो, मैं नहीं खा सकती, मैं अभी थोड़ा डाइट ही करूंगी। और हमारे घर में यहाँ पे जिम है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे घर में हमने जिम बनाया हुआ है। सबको पता, सबको मनी का जिम, मनी का। ओहो, मनी का जिम। ऐसे मनी का जिम हमारा जिम है, तो वो जिम काफी सालों से हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो लॉकडाउन के पहले ही हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने जिम किया ही नहीं कभी। अच्छा, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना लॉकडाउन में कौन कौन मोटा हुआ था। अरे, मुझे लगता सभी मोटे हुए थे यार लॉकडाउन में, सबने इतना खाया, इतना खाया। शुक्र है हम व्लॉग नहीं तब बनाते थे। अगर आप लॉकडाउन लाइफ देख लेते ना हमारी, क्या था, मतलब मेरे को इतने कमेंट्स आते थे। तब टिकटॉक होता था। हाँ। तो कमेंट आते थे यार अब ब्लॉगिंग क्यों नहीं शुरू करते, और यकीन मानना मुझे पता नहीं था ब्लॉगिंग होती क्या है, पता नहीं कैसे सॉरी तो मुझे पता नहीं होता था कि ब्लॉगिंग होती क्या है, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो होम जिम बनाया हुआ है वो यूज नहीं किया, और उसके हालात हो गए हुए बहुत ज्यादा खराब। अच्छा, मतलब कट्टा मिट्टी पै गया, बहुत ज्यादा काम खराब है। तो इस वजह से कल सुबह होगी जिम की सफाई, बहुत जोरों शोरों से सुबह आएंगे बाहर से जिम की सफाई करने के लिए, और उसके बाद 3 बजे से हमारा जिम स्टार्ट, और हमारे घर पे आएंगे जिम के ट्रेनर। मैं मिलवाऊंगा अपने पर्सनल ट्रेनर से, पर अपने चैनल पर। आप मिलवाते रहना अपने चैनल पे, मैं मिलवा दूंगी फिर कल ही। तो अभी हम खा रहे हैं गोभी वाली रोटी, ये देख लो। ये ना डाइट कर रहे थे, मुझे कहते हैं अभी ये क्या है, मैंने कहा गोभी, मुझे इसका पराठा बना दे, मैंने अभी खाना क्योंकि कल से तो जिम स्टार्ट करना है। नहीं, वैसे क्या मतलब, ये डाइट में नहीं है इस वक्त? क्यों, इस वक्त टाइम क्या हुआ है? 2। हाँ, अगला दिन चढ़ गया हुआ है, मैंने तो कल खाए थे समोसे। फिर आज तो हमने जिम करना है, तो आज तो फिर खाना ही नहीं चाहिए आपको। बड़ी थी, ये बंद करो यार। तो मैं, चलो इनको बना के खिला दूं पराठा, क्योंकि फिर ये कल ऐसे तरसते रहेंगे। तो चलो, इनकी वो वाला, हम जो भूख है ना ये वाली, ये खत्म करते हैं। आपके आते ही जिम और गंदा दिखना शुरू हो गया। वो मेरी शक्ल गिरानी शुरू हो गई। अच्छा, कहीं वैसे साफ करने की जरूरत है, कहीं मिट्टी नजर आ रही है, ये आ रही है। ये देखो, ये देखो, ये मैं क्लोज अप प्रॉपर क्लोज से दिखाती हूँ आपको। अच्छा। कि ये हालात है, तीन चार साल जिम बंद रहे तो। पर ये चेहरे एक भी मिट्टी का दाना नहीं है, पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे टिटू भाई बैठे हैं। ये रोज साफ होती है। और ये देखो हमारी स्मिथ मशीन। अभी सारा कुछ तू अपने ब्लॉग में दिखा देगी, कल मैं अपने ब्लॉग में क्या जिम का टूर किसने करवाया था? आपने? लेकिन मैंने अपने ब्लॉग में जिम कभी नहीं दिखाया, तो ये आज जिम दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पे रील्स ज्यादा बनती है शायद। नहीं, ये हमने स्टोर रूम भी बनाया हुआ ना, यहाँ पे हम फालतू सामान भी रखते हैं। ये देखो, इधर ये पड़ा है। ये देखो, ये क्या है पता है? गाड़ी साफ करने, वो प्रेशर पंप है ना, तो अब बताओ ये वही है ना। और वो देखो ट्राइपॉड पड़ा हुआ है, ये लाइट एक इधर लटकी हुई है, मतलब बुरे ही हाल है मनी। आप ये शरीर देख लो, देख लिया? देख लिया। एक महीने बाद ये शरीर अपना होगा।
कौन सा? वाह, पर मनी इतने शौक से आपने ये जिम बनाया था ना, हमने किया भी बहुत ज्यादा, बहुत साल किया, सर आते थे तो हमारी रूटीन अच्छी रहती थी। अभी मैंने तरले डाल के मनी को बोला कि सर को बुला लो। मनी हम ऐसे ये सुन के मैं इमोशनल हो गया, वीडियो कॉल कर दिया। तू इमोशनल हो गया, अब आप पराठा खाओगे? तो रोटी अभी पीछे बन रही है, और साक्षी मैं वैसे सच बताऊं आपको मजाक लगेगा, ये जो मैंने रोटी कही ना, मैं इसलिए कह रहा था कि चलो इसी बहाने आपका ब्लॉग बन जाएगा। वाओ, बहुत अच्छी बात की आपने, तो फिर चलो इसी बहाने मेरा ब्लॉग तो बन गया। अब रोटी कैंसिल कर दे। मेरे मुंह से निकल गया मुंह से ही निकल गया। ये देखो डाइट वाली शक्ल। क्यों खा रहा हूँ परोठे पता है? क्यों? कल जिम लगाना है, डंबल उठाए जाने हैं ऐसे मेरे से। ओहो, फिर तो सुबह भी खाना। The next day. तो इधर देखिए घर पे जिम करने के नतीजे। जिम में कभी गए हो शॉर्ट्स डाल के? नहीं यार, मैं तो सच बताऊं अभी मुझे लग रहा है कि चेंज कर लूं। कह रहे मैं अजीब तो नहीं लग रहा शूज डाल के इसके साथ? क्योंकि लोअर के साथ ही मैंने शूज पहने आज तक, इसके साथ भी शूज पहने नहीं है। घर पे जिम कर रहे हो तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना। मनी मुझे याद है लॉकडाउन में मैं अपना जिम करता था, मैंने वीडियो शेयर कर दी थी टिकटॉक पे, तो लोगों के इतने कमेंट्स आए थे कि पता करो ये कौन सा जिम है, इसको बंद होना चाहिए, लॉकडाउन में खुला हुआ। तब तो मैं आंसर नहीं दे पाया, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। आज मैं बताता हूँ, वो मेरे घर का जिम था जो आज आप मेरे ब्लॉग में देखोगे। आपके ब्लॉग में नहीं, मैं तो अभी दिखा रही हूँ। नहीं नहीं, ये तेरे चैनल पे है, ये तो मेरे ही है। मैं अभी जिम तो दिखा दूँ, साफ सफाई वाला। चलो जा दिखा दे सारा कुछ जो मैंने दिखाना था। आपने जो चलाकी की है ना मेरे साथ, वो मैं आपको बाद में ब्लॉग में बताऊंगी। इंसान में ये चीज होनी चाहिए जो खत्म होती जा रही है ब्लॉगिंग के चक्कर में, जो सिर्फ अब कुशन तक ही सीमित रह गई। तो ये देखिए, तो अभी आपने जिम देख लिया है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं देखा होगा, मैंने खुद आज ही देखा। जब से अमृतसर आए हैं ना, मतलब तो लॉकडाउन के बाद आज ही इसकी शक्ल नजर आई है थोड़ी। तो अभी यहाँ पे होगा बहुत भयंकर वर्कआउट। ओहो, पहले दिन नहीं होता भयंकर मेरे चैनल पर। ओहो, क्योंकि वर्कआउट वीडियो मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगा, मैं रेडी हूँ और मेरे ट्रेनर भी आ रहे हैं, मैं जल्दी मिलवाऊंगा उनको भी अपने चैनल। ऐसे मेरे ब्लॉग में क्या बचेगा दिखाने के लिए यार, लोग मुझे कमेंट करते हैं लाल पूरा तो गया। नहीं नहीं, जनरेटर चल गया, मुझे लगा अभी देखना लाइट आएगी। लाइट आ जा, ये सारा हमारा बस कहने को होम जिम में फैसिलिटी सारी, ये होटल नहीं यार, प्रोफेशनल जिम वाली। अच्छा जी, हाँ होटल का जिम तो बड़ा छोटा सा होता है यार। ये देखो मैं भी रेडी, पता नहीं मुझे याद नहीं है साक्षी वाला, मैं किसी होटल में गया, बहुत बड़ा होटल था, नाम नहीं लेना, तो जिम बड़ा छोटा, मैंने कहा इससे बड़ा वो जिम तो मेरे घर पे है ना, नाम तो नहीं लेना हमने होलीडे का। ये मनी बच्चों के खेलने वाली बॉल्स यहाँ क्या कर रही साथ में? बड़ी चीज है, इसको पता है ब्लॉग लंबा कैसे करना, बस इतना बोल दो मनी ये क्या पड़ा, मनी 2 मिनट्स पे बोल देगा, मनी ये क्या पड़ा, मनी 3 मिनट्स पे बोल देगा। ना 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 ना, ये इसलिए बोला ये बॉल्स यहाँ क्या कर रही है, उठा के इसको बाहर रखो। हाँ थोड़ा काम भी तो करवाना आपसे, वार्म अप करो मनी थोड़ा। यहाँ पे साक्षी ने वर्कआउट करना शुरू कर दिया हुआ है। ये पापा ने खाना खाया, प्लेट उठा के रखी। वर्कआउट ही होता है ये। और मनी हमारे जिम को किसी की नजर लग गई है। वो कुछ लाइट्स बंद हो गई है घर की। अच्छा यार मैं कर देता हूँ पीछे से। हाँ, पीछे एमसी गिरा होगा। आप देखो क्या पता चिपकली भी गिर जाए आपके ऊपर, क्योंकि उस बॉक्स में होती है। आज आपको ये वाला एरिया दिखा। अभी घर के एसी हो गए बंद, तो अभी जिम करने से पहले जिम शुरू हो रहा है। इसको कोल्डनेस के आगे सिलेंडर बड़ा हुआ था। ओहो हो, बड़ा तो ना हुआ, बड़ा हो या कुछ भी हो, पता नहीं भरा के खा लिया। बड़ा हुआ है यार, तेरा जोर ऐसे थोड़ी लगा, तू बेइज्जती करवा रही है मेरे सब्सक्राइबर के आगे यार। उनको खा लिया यार, ये बेइज्जती कराई तूने मेरी। वो तो खा ली पड़ा ध्यान से यार, मुझे डर लगता है, मैं तो इधर आती भी नहीं, आपको पता है ये वाले एरिया में इधर छिपती है बहुत आती है। जितना डर मुझे सांप से लगता ना, उससे कई गुना ज्यादा मुझे ना शिपली से लगता है। हाँ। थोड़े दिन पहले भी हमारे रूम में आ गई थी, दिखाई वो वीडियो? हाँ, मैं कितने दिन सोया नहीं। वीडियो नहीं दिखाई वो? नहीं वीडियो नहीं, मैं दिखाती हूँ वो वाली, आप भी वो वीडियो भी देख लो। किसने कहा था जाने को, मनी चिक्के निकलवा दी है। सीन काट देना यार, डरने वाला। तो जिम शुरू करने
करने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है, शूज डालने। तो शूज मेरे ऊपर रूम में, वो मैं डालने जा रही हूँ। और मनी आपको पता है एक और काम करने जा रही हूँ। क्या? मैंने ना कितने दिन से अपना नेल पढ़ाए हुए थे पैरों के, इतने इतने अंगूठे का नेल पड़ा हुआ था ये देखो, और वो मैं काटने जा रही हूँ क्योंकि शूज नहीं वेयर होते फिर पैर दर्द होता है। तो चलते हैं। A few moments later. तो फाइनली हमारा जिम कंप्लीट हो गया, हमने वर्कआउट कर लिया है। आप सोचोगे कि वर्कआउट तो दिखाया नहीं, तो वर्कआउट कंप्लीट कैसे हो गया? वो सारा वर्कआउट की वीडियो प्रॉपर जो जो आज हमने वर्कआउट किया वो मनी के चैनल पे आएगी, और वो प्रॉपर जिम वीडियो होगी। जिनको जिम करना पसंद है उनको तो वो वीडियो बहुत पसंद आएगी। और आप सोच रहे होंगे मनी इतना चुप क्यों है, इतने ठहराव कैसे आ गए? ठहराव नहीं है, ये थकावट है, बहुत बुरे हाल है, उठा भी नहीं आ रहा। पर मनी ये थकावट हमारे लिए अच्छी है, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी नहीं है। उनको नहीं अच्छा लगेगा कि आप अगर तो हम बोलते हुए अच्छे लगते हैं बिल्कुल। और अभी हम पीने लगे हैं ग्रीन टी, और ये अगर आपको नहीं बनानी आती तो इसकी रेसिपी मैं आपको बता सकती हूँ। ग्रीन टी की क्या रेसिपी यार, पानी डालो और ग्रीन टी फेंक दी उसमें, इतनी इजी है, तो कभी बना गई क्यों नहीं खुद? अगर आप गिलोय टी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे को फॉलो करना, मैं बना के दिखाऊंगा गिलोय टी। वो भी कुछ नहीं है, वो भी एक चम्मच डाला और पानी डाला, गिलोय टी बन गई। चलो अभी हम ग्रीन टी पी ले, इसके बाद की डाइट अब देखते हैं कि हमने क्या करनी। मम्मा भी आ रहे हैं मिलवाते हैं। मम्मा भी आ रहे हैं, मम्मा गए हुए हैं अभी मामी के घर, 2-3 घंटे हो गए हैं अभी आने वाले हैं, तो फिर आपसे मिलाते हैं। बाय। A few moments later. अरे मुंडा जी मेरा लगे पूरा हीरो। हां जी। ये आपके लिए अभी पनीर। अभी मम्मा हमारे पास ना यहाँ पे वो नहीं है, डिटॉक्स बनाते थे ना वहाँ पे, वो इतना बड़ा हमारे पास मुंबई में है ना जार, जिसके आगे टैप लगी हुई है, मुंबई में है जिसमें पानी डालते हैं ना, यहाँ पे नहीं है वो, यहाँ पे भी लेना है। यहाँ पे ना जग छोटा है तो फिर वो तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा, बार बार उसको पानी भरना पड़ेगा। मैंने देखे हुए। हाँ मैंने भी देखा हुआ इधर ना ट्रिलियम में, छोटा से लेके तो वहाँ से नहीं, थोड़ा बड़ा ही चाहिए, इतने चाहिए, उसमें थोड़ा पानी तो आए, मतलब उससे थोड़ा छोटा। तो अभी हम वो भी लेने जाएंगे, तो हम वो जाएंगे कल, वो आपको कल के व्लॉग में दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं भी थोड़ा सा पनीर खा लूँ। खाओ जी खाओ, मुझे बोल देते मैं आपको वो बना के देती। क्या? पनीर टिक्का? पनीर टिक्का नहीं, वो अभी नहीं, अभी जिम के बाद यही खाएंगे। तंदूर में घी वगैरह कुछ लगेगा उसको? हाँ नहीं, वो करेंगे धीरे धीरे मम्मा ट्राई, हमने अभी वो भी खानी है बॉयल वाली सब्जियाँ, फिर सूप पियेंगे, फिर बड़ा कुछ ऐसे ट्राई करना है मम्मा। ठीक है। हमने ना टेडू भाई से उधार में कुछ लेना था, एक कोई ऑयल है जो डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे है नहीं पर हम वैसे ही ले रहे हैं। तो मैंने इसके लिए बॉटल पहले से मंगवा के रखी थी, मुझे पता था कि एक ना एक दिन ये काम आनी आनी है, तो अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये, पैसे है अच्छी है ये देखो, ये कैप उतारो और इसको इस पे लगा दो। क्या बात है, अब टीटू भाई के मुंह में पानी आ गया। मैं नो ले आके दो क्या है? आपको भी मंगवा गया, ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने। अच्छा, ओए होए टीटू भाई पूरी साइंटिस्ट वाली फीलिंग ले गए हैं। ओए होए टीटू भाई ये ना सोच रहा कि ये पूरी भरनी है, नहीं नहीं हमें ना करनी पड़ेगी, उनको तो इज्जत के हमारे उसको फुल कर रहे पड़ना। मैंने टीटू भाई को वैसे पूछा था, टीटू भाई आपके इतने काले और घने बालों का क्या राज है? इन्होंने मुझे बताया, कहते कि तेल है मैं वो लगाता हूँ, पर शर्त भी साथ में रखी है, कहते ब्रांड नेम नहीं आना चाहिए क्योंकि टीटू भाई खुद बहुत बड़े ब्रांड है, वो किसी ब्रांड की ऐड करेंगे तो पैसा लेते हैं। टीटू भाई पैकिंग देखो कैसे कर रहे हो, पर कवर लगाया पहले। टीटू भाई हर चीज का मतलब बड़ा ध्यान रखते हैं, टीटू भाई अपना बड़ा ध्यान रखते हैं। उनका तो रह जाता ना ऐसे चलता कि टीटू भाई पैदल आए हैं, गाड़ी ना दिखती, गाड़ी नहीं दिखती। लाइट होने लगी ठीक, बुलाया किसी को, हमारे घर पे इलेक्ट्रिशियन भी आ रहे हैं, हमारा फ्रिज भी नहीं चल रहा, माइक्रोवेव लगाते हैं तो यहाँ पे लोग आते ही रहते हैं क्योंकि कोई ना कोई खराबी चलती रहती है। हमने मल्टीग्रेन आटा मंगवाया, चलो फिर तो अभी वो खाए, फिर लगाए प्लेट, हाँ जी लगाओ जी लगाओ, लगाए प्लेट। ओके मनी जिम से इतना प्यार, शीशा साफ कर रहे हो? शीशा नहीं साफ करना, इसको लगाने से पहले ना शीशा साफ करना पड़ता है। ये क्या है? ये गोप्रो ऐसे चिपकाने के लिए कि कल मैं जब वर्कआउट करूं ना तो मेरे सब्सक्राइबर को मेरा एक एक मसल दिखे अच्छे से। पर ऐसे ना वो आप नीचे बैठ के वर्कआउट करो तो वो आप ऊपर ही आ रहा सारा वो व्यू, ये देखो ठीक है, नाइस। साक्षी यार ये कमाल नहीं करी जा रहा यार मैं। हाँ तो चलो दोस्तों
आज हमने वर्कआउट किया है और बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या एनर्जी आ गई है अलग से। अभी मैंने व्लॉग भी टाइम पे डाला करेंगे, एडिट भी टाइम पे किया करेंगे, और बड़ी बात मेरा भी व्लॉग खुद एडिट किया करेंगे, इतनी एनर्जी आ गई है मनी के अंदर। तो चलो दोस्तों, अभी साक्षी ने जो कहना था ये कह गई है, और मुझे जो कहना है वो मैं कैमरा बंद होने के बाद कहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो वर्कआउट की जो वीडियो है जो साक्षी के चैनल पे नहीं दिखी आज, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, या तो आने वाली होगी वीडियो या आ चुकी है। नहीं, आने वाली है, ये मेरा व्लॉग तो कल सुबह आना है। ओ वाओ, मेरे वीडियो में आप देखोगे कि मेरे जो ट्रेनर है वो कैसे हैं, पर थोड़ा सा अंदाजा बता दो वो कैसे दिखते हैं, ऐसे बस उनकी चोटी नहीं है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।